कुंदरकी में नवास ए रसूल हजरत इमाम हुसैन की शहादत के गम में नगर में 66वां वार्षिक बिशरत नौचंदी का आलम मुबारक का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें मुरादाबाद मंडल के शिया समुदाय के अजादारों ने शिरकत की और मुकामी और बहरूनी अंजुमनों ने नोहा खानी और सीना सनी की। देर शाम नगर के मोहल्ला सादात स्थित मरहूम सैयद मीर मुस्तफ़ा हसन रिजवी के अजा खाने पर मजलिस हुई, जिसमें गुलाम मेहंदी रिजवी ने मरसिया पढ़ा। इसी क्रम में मजलिस को खिताब करते हुए कंबर रजा रिजवी ने कहा कि रसूल करीम और अहले बेत की मोहब्बत जन्नत की कुंजी है। रसूल करीम और अहले बेत की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। पैगम्बर इस्लाम ने इस्लाम को अपने किरदार और अमल से फैलाया है, इसलिए मुसलमानों को भी अपना अमल और किरदार दुनिया के सामने पेश करने की ज़रूरत है। इस्लाम इल्म हासिल करने और तरक्की हासिल करने का पैगाम देता है। उन्होंने आगे कहा कि इमाम हुसैन कुल मुख्तार शख्सियत का नाम है और यजीद कुल मोहताज का नाम है। यजीद इंसानियत को ख़त्म करना चाहता था और इमाम हुसैन ने शहादत देकर इंसानियत को बचाया। हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की शहादत बयां की तो अजादारों की आंखें नम हो गई। मजलिस के बाद हजरत इमाम हुसैन की शहादत के गम में हाय हुसैन की सदाओं के साथ 66वां वार्षिक नौचंदी का बिशरती अलम मुबारक और जुलजिनाह का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें मुकामे अंजुमन अकबरी, अंजुमन शान हैदरी, अंजुमन अल मुर्तजा और बहरूनी, अंजुमन शहदाए हुसैनी, मेमन सादात बिजनौर, अंजुमन दुआए जहरा मुजफ्फरनगर, अंजुमन शौनक अजा सिरसी सादात, अंजुमन अब्बासिया नूरिया सराय संबल, अंजुमन असगारिया सेठन बरेली, नोहा खान अदीब जैदी अलीगढ़ ने नोहा खानी की और संचालन मौलाना अफाक आलम जैदी ने किया। जुलूस सुबह में मरहूम नजमुल हसन रिजवी के अजा खाने में पहुंचकर समाप्त हुआ। गौरतलब है कि सोनू रिजवी ने आभार व्यक्त किया, साथ ही जुलूस में मुरादाबाद रामपुर अमरोहा बरेली नौगावा सादात बुकनाला सादात इकरोटिया सादात सिरसी सादात और संभल के शिया अजादारों ने भारी संख्या में शिरकत की।